my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 4 by Brain Root series, and here's your book Science Spark. Today we are going to start with chapter number 13 and the name is Our Earth and Its Neighbors. So yes, we are going to learn about our Earth here. So these are the topics that we are going to learn here, we are going to cover here. The first one is the solar system, the moon and movements of the earth. So let's start the chapter with the warm up exercise. Match the following. So yahan pe kuch details di gayi hain, aapko kya karna unke sath match karna in pictures ko. So now let's start the chapter. The vast space that is seen when we look up in the sky is called universe. तो जब हम ऊपर देखते हैं आसमान में, जो बड़ा सा जो जगह दिखती, बड़ी सी स्पेस दिखती है, उसे ही तो हम यूनिवर्स कहते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल द हेवनली बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, मून, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स. इसमें जितने भी हेवनली बॉडीज हैं वो सब इंक्लूडेड है, चाहे वो कोई प्लैनेट हो, चाहे वो मून हो, या फिर मेटेरॉइड्स हैं, या फिर कॉमेट्स. तो ये सारी जो चीज़ें यहाँ मेंशन है, ये सब हेवनली बॉडीज में ही आती हैं. This is our solar system. So let's learn the solar system. So the earth we live on is a planet. तो हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं earth पे. और ये क्या है? ये है एक planet. Earth is called a planet because it is always in motion. Earth क्या है? इसे एक planet इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा motion में रहता है. Moving in space around the sun. सो ये स्पेस में मूव करता है सन के चारों तरफ. अपार्ट फ्रॉम अर्थ देर आर अदर प्लैनेट्स टू. अर्थ के अलावा दूसरे भी प्लैनेट्स हैं यहाँ पे दैट मूव अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं. इन फैक्ट टिल ऑगस्ट 2006 इट वॉज एक्सेप्टेड दैट द सन हैज़ अ फैमिली ऑफ 9 प्लैनेट्स. तो ऐसा कहा जाता है कि 2006 अगस्त तक क्या था, ऐसा मान लिया गया था कि जो सन है ये एक फैमिली है 9 प्लैनेट्स की. तो यहाँ पे आपको टोटल 9 प्लैनेट्स मिलेंगे. बट हाउएवर ऑन अगस्त 2006 24th August 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU वोटेड फॉर. अब IAU ने क्या वोट किया? अ चेंज. इन्होंने चेंज को वोट किया. Based on a new definition for the planet, our sun now has only 8 planets. So, एक नई definition आई planets की और उसमें जो है 9 में से 8 planets रह गए. Pluto was, which was earlier a planet, is now called dwarf planet. तो Pluto को पहले planet माना जाता था, 9th planet यही हुआ करता था, लेकिन अब इसे dwarf planet कहा जाता है. These 8 planets and dwarf planets move around the sun in a fixed path. ये जितने भी 8 planets हैं उनके साथ जो dwarf planets हैं ये सब sun के चारों तरफ घूमते हैं, move करते हैं, एक particular रास्ते पे चलते हैं. means कोई अपना रास्ता change नहीं करता. So इस particular रास्ते को कहते हैं orbit. Almost every planet has a satellite. जितने भी planet हैं सबके पास क्या है? satellite होता है या फिर moon होता है. That revolves around it. जो क्या करता है? उस planet के चारों तरफ घूमता है. The sun, the 8 planets, their moons and the dwarf planets form the solar system. So sun, 8 planets हो गए, moon हो गए, dwarf planets हो गए, सब मिलके क्या बन जाते हैं? हमारा solar system. The 8 planets that revolve around the sun in the order of increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. सो ये हैं हमारे पूरे 8 प्लैनेट्स. सो चलिए पढ़ते हैं अबाउट सन. सो द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर दैट गिव्स अस हीट, लाइट एंड इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सो सन क्या है? सन एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो बॉल ऑफ फायर है जो हमें हीट भी देता है और लाइट भी देता है, और ये हमारे सोलर सिस्टम के बीच में है. Now children, do you know the surface of the sun is very hot, about 6000 degree celsius. आपको पता है कि सन का जो सरफेस है वो 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म हो सकता है. Next comes Mercury. So it is the closest to the sun and is the smallest planet in the solar system. ये काफ़ी ज़्यादा पास है सन के और ये क्या है? सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में.
इसके बाद आता है वीनस जो कि सेकेंड नंबर का प्लैनेट है एंड ये कब सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है. इट हैज़ अ बिग ऑरेंज स्काई और इसका जो स्काई है वो बिग और ऑरेंज कलर का है. विनस ऑल्सो कॉल्ड द इवनिंग स्टार, इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है. नेक्स्ट प्लैनेट आता है अर्थ. इट इज़ द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये थर्ड प्लैनेट है और इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि 70% जो है इसका वो पानी से ढका हुआ है. इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट. ये सिर्फ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहीं पे सिर्फ आपको लाइफ मिलेगी और कहीं नहीं है. हियर इज़ द पिक्चर ऑफ अर्थ. नेक्स्ट प्लैनेट कम्स मार्स. मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट एंड इट इज़ कॉल्ड अ रेड प्लैनेट. मार्स जो है फोर्थ नंबर पे आता है और इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो सॉइल है या जो रॉक्स है वो रेड कलर के हैं. इट इज़ अ प्लैनेट मोस्ट लाइक आवर ओन्स. ये हमारी तरह ही दिखने वाला एक प्लैनेट है. साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि दैट इज़ द ओनली प्लैनेट बिसाइड अर्थ वेयर लाइफ मे एग्जिस्ट. उनके हिसाब से यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ हो सकती है. बट नो लिविंग फॉर्म हैज़ बीन फाउंड येट. आज तक जो कोई भी लिविंग बींग वहाँ पर नहीं मिला. नेक्स्ट कम्स जुपिटर. सो इट इज़ द फिफ्थ एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये फिफ्थ नंबर का प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में. जुपिटर स्पिन्स वेरी फास्ट. ये काफ़ी तेज स्पिन करता है. पुल्स इट क्लाउड इनटू स्ट्राइप्स. अपने क्लाउड्स को स्ट्राइप्स में ये पुल करता है एंड दिस इज वाई व्हेन वी लुक एट जुपिटर वी फाइंड अ स्ट्राइप्ड पैटर्न. जब भी हम जुपिटर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है स्ट्राइप्स के पैटर्न बन रहे हैं. नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न. इट इज नोन एज अ प्लैनेट विथ रिंग्स. ये एक ऐसा प्लैनेट है ऐसा कहा जाता है. इस प्लैनेट के चारों तरफ एक आपको रिंग दिखाई देगी एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लैनेट विथ सेवन शाइनिंग रिंग्स अराउंड इट मिडल. तो ये इतना सुंदर प्लैनेट है जिसके आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको सेवन ब्यूटिफुल शाइनिंग रिंग्स दिखेंगी बीच में. नेक्स्ट कम्स यूरेनस एंड नेपच्यून. सो दीज आर फारेस्ट फ्रॉम द सन. सन से काफ़ी ज़्यादा दूर है एंड आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स और इन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है. अब बारी आती है डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो की. इज प्रेजेंट बियॉन्ड नेपट्यून. ये नेपट्यून से भी पीछे है एंड नो स्पेस क्राफ्ट हैज़ एवर विजिटेड प्लूटो. और आज तक कोई भी स्पेस क्राफ्ट वहाँ तक नहीं गया. नेक्स्ट टॉपिक इज द मून. सो द मून इज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. ये जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है आपको पता है, वो है मून. सैटेलाइट क्या होता है, ये एक हेवनली बॉडी होती है जो क्या करती है, रिवॉल्व करती है, किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है. सम अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम ऑल्सो हैव देयर ओन मून्स. कुछ दूसरे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में जिनके खुद के भी मून होते हैं. वेन वी स्टैंड आउटसाइड इन द सनलाइट, जब हम बाहर धूप में खड़े होते हैं, वी फील हॉट बिकॉज द सन इज मेड ऑफ हॉट गैसेस. हमें गर्मी लगती है क्योंकि सन किस चीज़ से बना है, बड़े बहुत सारे हॉट गैसेस से बना है और हमें हीट और लाइट दोनों देता है. डू यू फील हॉट व्हेन वी स्टैंड आउटसाइड इन मून लाइट, जब हम मून लाइट में होते हैं, चांद की रोशनी में होते हैं, तो क्या हमें तब गर्म लगता है? नो, बिकॉज द मून इज मेड ऑफ हार्ड रॉक्स. मीन जो है मून जो है हार्ड रॉक्स से बना है एंड इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इसके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. यह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है एंड द मून हैज़ नो एयर. ना ही आपको यहाँ पे एयर मिलेगा. एंड हियर दिस इज अ मून. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स. हियर यू हैव टू सर्कल द ऑड वन, अर्थ, वीनस, सन. सो हियर वी विल सर्कल सन क्योंकि सन इज नॉट अ प्लैनेट. मार्स, मून, जुपिटर. अगेन वी आर गोइंग टू सर्कल मून. So like this children, you have to do the rest of the questions. Now let's learn about the movement of the earth. First is rotation. So the axis is an imaginary line that passes the earth from the north pole to the south pole. So आप देख सकते हैं यहाँ पे एक red color की line दिख रही है, उसे क्या कहते हैं, axis कहते हैं. ये एक imaginary line है, means हमने imagine कर लिया कि ऐसे एक line हुआ करेगी. सो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है एंड इट इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 23.5 degrees. और ये जो है अर्थ को ये झुका के रखती है 23.5 degree पे.
द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सेस कॉज डे एंड नाइट. अब अर्थ क्या करती है, अर्थ अपने ही एक्सेस पे गोल गोल घूमती है और इस रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होते हैं. अब क्या होता है, अर्थ को पूरे 24 आवर्स लगते हैं एक चक्कर लगाने में. एंड एट दैट टाइम हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन. और इस समय क्या होता है, जो आधा अर्थ का हिस्सा रहता है वो सन की तरफ रहता है. द पार्ट दैट फेसेस द सन हैज डे. वो पार्ट जो सन की तरफ है वहाँ पे दिन रहता है, और जहाँ पे सन की रोशनी नहीं आ रही है वहाँ पे रात रहती है. सो आधे हिस्से में आपको दिन मिलेगा और आधे हिस्से में आपको रात मिलेगी. नाउ हियर यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. टेक अ ग्लोब एंड अ टॉर्च. आपको एक ऐसा ग्लोब लेना है, एक टॉर्च लेना है. एंड मेक द रूम डार्क बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट. और रूम में अंधेरा कर देना है. एंड क्लोजिंग ऑल द विंडोज. सारे विंडोज को बंद कर देना है. स्विच द टॉर्च ऑन एंड पॉइंट इट टूवर्ड्स द ग्लोब. हमें टॉर्च को ऑन करना है, ग्लोब की तरफ उसे दिखाना है. वॉट डू यू सी. आपको क्या दिखेगा. स्पिन द ग्लोब. अब आपको ग्लोब को घुमाना है. वॉट डू यू सी. आपको क्या दिखा यहाँ पे. सो हमने देखा कि जैसे हमने स्पिन किया तो उसका अर्थ का डायरेक्शन चेंज हुआ, और जिस जगह पे टॉर्च की रोशनी वहाँ पे दिन है, जहाँ टॉर्च की रोशनी नहीं पहुँची वहाँ पे आपको रात दिखेगा. सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट रेवोल्यूशन. तो ये था रोटेशन जो अर्थ अपने ही एक्सेस पे कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, जिसे करने में उसे 24 आवर्स लग रहे हैं. अब हम पढ़ेंगे वॉट इज रेवोल्यूशन. सो द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन. प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ घूमने को हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं. तो ये है हमारा सन और प्लैनेट्स इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं. अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज, मींस एक साल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. तो एक चक्कर लगाने में अर्थ को 365 डेज लगते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम इट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. अब अर्थ अपनी एक्सिस पे भी गोल गोल घूमता है और सन के भी चारों तरफ चक्कर वो लगाए जा रहा है. द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस टुगेदर कॉज द सीजन. अब अर्थ का जो रेवोल्यूशन है और अपने एक्सिस पे टिल्ट हो जाना, आप देख सकते हो कि एक्सिस पे कैसे टिल्ट है, तो इसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं. एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थ हेमोस्फियर एंड साउदर्न हेमोस्फियर. सो अर्थ के बीच से एक लाइन जाती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं. ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है. ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमोस्फियर कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमोस्फियर कहलाता है. When the earth revolves around the sun, जब अर्थ जो है सन के चक्कर लगाता है, the tilt causes either the northern hemisphere or the southern hemisphere to receive the direct rays of the sun. So, जो हिस्सा जो है सन की तरफ है वहाँ पे आपको जो सूरज की रोशनी मिलेगी, वहाँ पे क्या रहता है, गर्मियों का टाइम रहता है. सो आप देख सकते हो this is revolution of earth जो है चेंज हो रहा है. 22 December winter solstice होता है. 23.5 डिग्री पे ये अर्थ टिल्टेड है. फिर 23 सितंबर को ऑटोमनल एलिप्स इक्विनॉक्स होता है. 22 जून को समर सोल्स्टिस होता है. एंड 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स होता है. सो ये आप देख सकते हो कैसे कैसे यहाँ पे मौसम चेंज हो रहे हैं. विंटर सीजन आ गया, ऑटम आ गया, समर आ गया और स्प्रिंग सीजन आ गया. सो यही है वो तरीके जैसे आपको सीजन चेंज दिखाई देते हैं. नाउ लेट्स लर्न सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. एस्ट्रोनॉट्स गो इनटू स्पेस इन स्पेशल स्पेस सूट. एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं स्पेस में वो अलग तरीके के स्पेशल स्पेस सूट पहनते हैं. यूरी गैगरिन रशियन एस्ट्रोनॉट वॉज द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस. यूरी गैगरिन जो है पहले रशियन एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में गए थे. नेक्स्ट नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रांग क्या है, वो पहले ऐसे ह्यूमन हैं जो कहाँ गए, वो उन्होंने मून पे उन्होंने लैंड किया. और वो दिन क्या था, वो था 20 जुलाई 1969. अ डॉग नेम लाइका वॉज द फर्स्ट लिविंग बींग टू गो इन टू स्पेस. सो एक डॉग था जिसका नाम था लाइका, वो पहला ह्यूमन लिविंग बींग था जो स्पेस में गया. राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन द स्पेस. राकेश शर्मा पहले ऐसे इंडियन थे जो स्पेस में गए. एंड कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया ओरिजिन
टू गो इन टू स्पेस. तो कल्पना चावला पहली ऐसी वुमेन थी इंडियन ओरिजिन की जो स्पेस में गई. नाउ व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर सनलाइट, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा धूप मिलती है तो क्या होता है, द कंट्रीज इन दैट हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर, उन जगहों पे समर रहता है. तो जहां ज्यादा धूप है वहां समर मिलेगा आपको. व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज समर द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर, तो जब अगर नॉर्थ में गर्मी है तो साउथ में आपको ठंडी मिलेगी. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द पोजिशन ऑफ द अर्थ चेंजेस, अब कुछ महीनों बाद अर्थ की पोजिशन चेंज हो जाती है. एंड द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स मोर डायरेक्ट सनलाइट, अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ज़्यादा आपको सनलाइट मिलने लगता है. नाउ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज समर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर हैज समर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर. So this was the chapter, children. I hope it's clear. Now let's move on to new words. So the first word is star. Star is a heavenly body having its own heat and light. Now planet. Planet is a large heavenly object that moves around the sun or another star. Solar system is the sun and the planets moving around it. Next comes satellite. Satellite is object that revolves around the planet in an orbit. Next comes axis. Axis is an imaginary line running through the center of the earth from the north pole to the south pole at an angle of 23.5 degrees. Hemisphere is either of two halves of the earth. Now comes equator. Equator is the imaginary circle around the middle of the earth. Now children, let's move on to flashback. Let's revise whatever we have learned in this chapter. So the sun with its family of 8 planets and moon form the solar system. The planet revolve around the sun in a fixed path called an orbit. The moon is a natural satellite of the earth. The equator is an imaginary line that divides the earth into two hemispheres. Rotation and revolution are the two movements of the earth. Rotation causes day and night, and revolution causes season change. So these all are the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, and here A exercise is tick the correct option. So the first question over here is the nearest star to the earth is, earth ke sabse paas jo star hai usse hum kya kehte hain, it's called sun. The farthest planet from the sun is, sun से सबसे दूर जो planet है उसका क्या नाम है, it is Neptune. So do the rest two questions yourself. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. First one is a group of stars is called a constellation. The dash reflects the light of the sun. So the moon reflects the light of the sun. So earth completes one dash in 365 days. So one revolution. So these are the answers, children. Similarly do the rest questions yourself. Now let's move on to C exercise, which is match the following. So here the first one is equator, and it is hemispheres. Next it divides the earth into two hemispheres, north hemisphere and the south hemisphere. Next satellite, moon is a satellite. North star is in north direction. So like this, children, you have to do the rest of the questions here. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. First one is, what do you mean by solar system? So solar system consists of sun and the 8 planets. So this is our solar system. Next, what is a star? Do it yourself. Write a short note on the moon. This also you have to do yourself. What is difference between rotation and revolution? So rotation causes change in day and night, and revolution causes change in season.
So this is the difference. There are some more difference. You can write it yourself. Let us do question number 5 and 6 yourself. So this was your chapter, children. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.